हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक कुमार अपने इस चैनल के माध्यम से मैथ स्टेप क्लास थर्ड की बुक को हल कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम सबसे पहले आप सबको जो होमवर्क दिए थे पिछली वीडियो में, उसे बताते हुए आगे बढ़ेंगे। मैथ स्टेप क्लास थर्ड, फोर डिजिट नंबर, लेसन टू हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज टू पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर फोर और सेवन हल करेंगे। पेज नंबर 16 और 17 को हल करेंगे। इसलिए आप लोग अपना बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 16 और 17, ठीक है। और जो हम होमवर्क दिए थे आप लोगों को, उसे देखिए और आगे बढ़ते हैं, और उसे अपना मिला करके चेक करिए कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। चलिए, इसमें मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए थे ई से हमने होमवर्क दिए थे, ताकि आप लोग ज़रूर किए होंगे ई से। चलिए, यहाँ तक तो मैं करा चुका था, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ तक करा चुका था आप लोगों को, और यहाँ से होमवर्क दिया था, यहाँ से EFGHIJKLMNOP, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों ने किया भी होगा इस तरीके से, जिस तरह से मैंने किया था। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आप लोगों को क्या मैंने होमवर्क दिया था। और ये पोर्शन मैंने होमवर्क में दिया था, ये पूरा पोर्शन, यानी कि यहाँ से GHIJKLMNOP, तो इसे आपको वर्ड में लिखना था, और उसे क्या लिखना था, उसको आपको नंबर में लिखना था, क्लियर। तो इस तरीके से आप ज़रूर किए होंगे, मैं आगे बताता हूँ आपको और फिर आगे बढ़ने का काम करता हूँ। चलिए देखिए, राइट इन वर्ड, हम वर्ड में लिखने के लिए आप लोग को बताए थे, अभी मैं बता भी दे रहा हूँ फिर से दोबारा एक बार, और अच्छे से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन मेरा था जे, इसे वर्ड में लिखना था 1234, क्लियर। ये दूसरा क्वेश्चन था हमारा 3204, ठीक है, 3204, क्लियर। चौथा था 4023, फिर 5120, क्लियर। पांचवा था 700, ये था 6200, क्लियर। अब राइट इन फिगर, अब ये सारे क्वेश्चन हमको थे, अब बाकी आप लोग को करना था कर लीजिएगा। सिक्स नंबर के क्वेश्चन में मैंने आप लोग को ई से दिया हुआ था, मैं ई को बताते चलता हूँ फिर आगे हल करते चलेंगे, क्लियर। ई दिए थे, एफ दिए थे, जी दिया था, ठीक है, एच आई, ठीक है ना। चलिए, अब इसको मैं बताता हूँ, 7800 इसको लिखना था, 7800, ठीक है ना, ऐसे आप लिखते 7800, ठीक है ना, इस तरह से फिगर में आपको लिखना था। फिर 9019, ठीक है, 19 ऐसे होता है, इसे मैं इरेज करता हूँ, क्लियर। 9019 ऐसे हो गया ना, 9019, क्लियर। 3006, 6000, ठीक है ना, तो 3006 ऐसे होगा, यहाँ पे 6000, तो ऐसे 6000 हो जाएगा, मैं इसे इरेज कर दूँ ताकि आपको समझ में आए, 6000, ठीक है ना। फिर आई 1033, इस तरीके से आपको इसको करना था। मैं इसे पूरा भर देता हूँ, आप इसे देख करके अपने कॉपी में कर लीजिएगा। चलिए, ये देखिए, मैंने
ये ई कौन कौन से ई एफ जी एच और आई को सामने सामने लिख दिया है, ठीक है ना। अब आप इसे मिला करके आगे बढ़ जाइए। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या था, ई के बाद से आई, आई के बाद से सिक्स नंबर क्वेश्चन में ही चलते हैं, आई के बाद से जे, फिर के, एल, एम, एन, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन थे, इसको भी आप क्या करने थे, आपको लिखने थे, वही फिगर में ही लिखने थे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि कैसे फिगर में लिखा जाता है, आपने लिखा भी होगा। तो एक बार और देख लीजिए, 4050, देखना जे को देखिए, 4050 है, तो 4050 कैसे लिखा जाएगा, आप लिख लीजिए 4 110, मतलब केवल 10 कर लीजिए, जैसे मैं बता देता हूँ 15 है ना, 50 है, हो गया 50, 15 और 15, क्लियर। तो ये हो गया। इसी तरीके से 6004, यहाँ पे 6004, इस प्रकार से 5102, 5102, ये रहा, ठीक है। इसमें से इरेज कर देता हूँ। अब बोल रहा है कि 9099, ठीक है, एंड 99, ठीक है ना। फिर आपका कह रहा है 2700, 2700, इसे मैं इधर कर दूँ 2700, ठीक है ना। इस तरीके से मैं इसे फुलफिल कर देता हूँ, पूरे क्वेश्चन को भर देता हूँ, देखिएगा। कर रहा है 4015 दिख रहे हैं आपको, 6004, इसको मैं इस बार इरेज कर दूं, ये 6004 हो गया। 5102, ठीक है। अगला क्या है, 9099, ये गड़बड़ हो गया है, 9099 था ना, अभी मैंने जो लिखा था ऐसे, ये एक नौ नहीं रहेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा, ध्यान दीजिएगा। मैं इसे कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, 9099, 900 नहीं है, ठीक है ना, इसलिए 9 यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है, आप सही हो जाएगा ये, ठीक है। उसी प्रकार से अगला क्या कर रहा है, 2700 को कर देते हैं, ये रहा 2700, ये मैं कर भी चुका था, ऐसे देख करके आप ये वो कर लीजिए अच्छे से, ये हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पूरा फुलफिल करना था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, आपके पेज नंबर 16 पे ये 8 नंबर दिया है। व्हाट इज द नंबर में एक क्वेश्चन दिया है आपको, 3500 110 61 टुगेदर, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखते हैं 3000, आप लिखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3500 106 टुगेदर, ठीक है ना। अब हो गया कि नहीं, ये ऐसे आपको लिखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन मैं इसे इरेज कर दूं, ये रहा, कह रहा है 6200 थ्री टुगेदर, आप लिखिएगा यहाँ पे 6200 थ्री टुगेदर, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद किए होंगे तो आप अच्छी तरीके से लिख लेंगे। पीछे हमने बोला था कि आप याद कर लीजिए, जब मैं इसका थ्योरी ले रहा था फोर डिजिट नंबर का सेकेंड लेसन जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बोला इसको पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो याद तो ज़रूर करेंगे तभी आगे के समझ में आएंगे, आगे के टॉपिक जो पढ़ेंगे आपको वो समझ में आने भी चाहिए। तो जब तक याद नहीं होंगे तब तक टॉपिक समझ में भी नहीं आएंगे, इसलिए आप याद करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9200, ठीक है ना, 9200 छू टुगेदर, क्लियर, 200 टुगेदर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, 9200 बस, टुगेदर मतलब कि इनके साथ ये लगा हुआ है, क्लियर। अब हम लोग आगे इसको मैं पूरा फिल फुल कर देता हूँ। देखिए ये हो गया इसका 3516, ठीक है ना, सिक्स टुगेदर बोला है तो 16 हम लोग बोल रहे हैं एंड 16 बोलते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं इसे रेज करता हूँ आपको समझ में आते हैं। देखिए अगला कह रहा है 6200 3 10 टुगेदर, क्लियर। ये 9200 और टुगेदर, क्लियर। अगला का राइट इज द नंबर, राइट इज द नंबर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे डी की बात कर लेते हैं, डी कह रहा है 1500 4 1 टुगेदर, तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं 1500 4 1 टुगेदर, ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है, मैं इसे इरेज कर दूं, 4200 5 10 टुगेदर, तो आप लिख सकते हैं ऐसे 4200 5 10 टुगेदर, क्लियर, इस तरीके से। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, मैं इसे इरेज कर दूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7301 टुगेदर, 7301 टुगेदर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 7301 टुगेदर, क्लियर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 7003 लास्ट में है, जो टुगेदर करा उसको लास्ट में करेंगे, फिर बीच में जीरो लगाएंगे, क्लियर। अभी से ये करते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 2900 100 2 1 टुगेदर, तो 2000 ऐसे लिखिएगा 2900 2 1, तो 2 1 टुगेदर, ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है। चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ और ये भरने का काम करता हूँ। इसका ये होगा 5154 04, क्लियर। इसका हो जाएगा आपका 4210, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 7003 7001 टुगेदर बोला है ना, यानी कि वन स्थान पे रहेगा, ठीक है। 2900 9001 टुगेदर, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा फुलफिल करना था। चलिए अब आपके ये रहेगा होमवर्क, और होमवर्क में आप इसे करके आएंगे, क्लियर। मैं इसको समझा के आगे बढ़ रहा हूँ जी।
ये रहा 9 नंबर फाइंड, मैं 9 नंबर बता दे रहा हूँ, आप 8 नंबर फाइंड करके आइएगा। 10 10 10 10 जो कह रहा है तो यहाँ पे 1 आपको दिया हुआ है, देखिए मैं बता रहा हूँ 1 आपको दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है 100 100 क्या लिखेंगे, देखिए 10 10 दिया है, 10 10 को जब 10 को 10 टाइम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 100 100 आप लिखेंगे। एच यू एन डी आर ई डी, ठीक है ना, अब ध्यान से यहाँ पे लिख लेंगे 100, यहाँ पे साफ मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से मिला लीजिएगा, एच यू एन डी आर ई डी, ठीक है ना, 100 क्लियर। अब इसके ओरेज करता हूँ, देख लीजिए भर जरूर लीजिएगा आप अच्छे से, देखिएगा 100 यहाँ पे कह रहा है 110, तो 110 जब करेंगे यानी करने का मतलब ऐसे कर देंगे हम कितने टाइम 100 को 10 टाइम तो क्या आ जाएगा 1000, यहाँ पे क्या आ जाएगा आप भरेंगे 1 भर देंगे। इसी प्रकार 10 100 10 100 तो क्या हो जाएगा 10 100 को 10 को गुणा करेंगे 100 से, उसी का उल्टा बोल दिया है तो क्या हो जाएगा 1000, यहाँ पे क्या भर देंगे आप 1 भर देंगे। इस तरीके से आपका 9 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया, ध्यान से देख लीजिएगा और करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे 100 भरा गया था, ठीक है ना, 100 भरा गया था, क्लियर। तो इस तरीके से आपको पूरा 9 नंबर करना था। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या करें आपको, सी द पैटर्न एंड फिल इन, पैटर्न को देखिए और फिल करिए। चलिए मैं एक इसमें बता देता हूँ, देखिएगा 4400 4500 4600, तो यहाँ पे क्या बनेंगे 4700, ठीक है, आप बॉक्स में भरिएगा, ठीक। फिर उसी प्रकार से 4800, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा कि छोटे छोटे बॉक्स जो दिए हैं इसी बॉक्स में आपके आ जाना चाहिए, जितने बॉक्स है उतने टाइम आपको भरना है, इंक्रीज हो रहा है, एक एक हंड्रेड क्या हो रहा है 100 100 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 6000 यहाँ पे 7000 फिर 800 फिर 9000 ऐसे ही आएगा। अगर इसकी बात करें तो 6580 देखिएगा, फिर 6570, यहाँ पे क्या हो रहा है 10 10 नंबर माइनस होते जा रहा है 6516 तो 6550, ठीक है ना, फिर आ जाएगा सॉरी 6000 है ना, हाँ तो मैंने 7 लिख दिया था, 6 पढ़ रहा हूँ 6540, ठीक है, इसी बार 6530, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्या है कि पूरा फुलफिल करना है, पूरा भर लेना है, ठीक है। अगली वीडियो में बताऊंगा तो आप मिला लीजिएगा, लेकिन अभी आपका ये होमवर्क ही है और इसे आप पूरा फुल कर लीजिएगा, भर लीजिएगा, जितने आपके बॉक्स बने हुए हैं सारे बॉक्स में आपको क्या करने हैं भरने हैं। चलिए मैं इसे इरेज करता चलता हूँ, ठीक है ना, ताकि अच्छा रहे। देखिए ये था आपका एच डब्ल्यू, मैं बता दे रहा हूँ ये एच डब्ल्यू, क्लियर, और ये सेक्रेशन एंड प्रीडिसेसर, ये भी आपका एच डब्ल्यू ही रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको भी मैं बता दे रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को क्या करना है भरने हैं, क्लियर। तो सेक्रेसर और प्रीडिसेसर का मतलब होता है, सेक्रेसर का मतलब यह होता है कि आपका एक नंबर जुड़ जाना और प्रीडिसेसर एक नंबर माइनस हो जाना, यानी 5375 है आपका, तो यहाँ पे एक नंबर जैसे ही जुड़ जाएगा प्लस 1 कर देंगे इसी में, अगर हम बात करते हैं प्लस 1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 5376, ठीक है ना, तो ये आपका सेक्रेसर हो गया, ठीक है ना। और प्रीडिसेसर की बात करते हैं, यदि प्रीडिसेसर इसकी बात करते हैं प्रीडिसेसर की, तो हो जाएगा 5300, ठीक है, 74,
ठीक है ना, ये हो गया आपका प्रेडिसेसर, इसमें क्या हुआ है एक नंबर माइनस हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप पूरा 99 तक पूरा कर लीजिएगा। अब आता है राइट द सेक्रेशन एंड प्रेडिसेसर, यानी सेम इसी तरीके से जिस तरह से इसको करना है उसी तरीके से इसको भी करना है, अलग अलग करना है। आप ऐसे ही बॉक्स कॉलम बनाइएगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आप ऐसे ही क्या करिएगा, ऐसे ही कॉलम बनाइएगा, एक जगह नंबर लिख दीजिएगा, सारे नंबरों को एक जगह लिख दीजिएगा, फिर सेक्रेशन और प्रेडिसेसर लिख करके लाइन वाइज लिख लीजिएगा। इस तरीके से आपका ये पूरा जो 13 नंबर तक है यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे बताएंगे। पेज नंबर 17 तक आप कंप्लीट करके आइएगा। 70 के बाद जो है कि 80 पेज नंबर में 40 क्वेश्चन, 15 और 16 17 क्वेश्चन जो बचा हुआ है मैं उसे बताने का प्रयास करूँगा, बताऊँगा। तो फिलहाल आप ये इसे करके आइएगा, मैं इसे भी बताऊँगा, उसे मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए घर रहिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।